देखिए आज हम लोग जानेंगे मेंस का प्रश्न है जो यूपीएससी जेपीएससी और बीपीएससी के ज्योग्राफी पेपर में है। देखिए क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से आप क्या समझते हैं, विवेचना करें। देखिए क्वेश्चन जो रहता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का उत्तर हम कैसे देते हैं उसका एक प्रारूप हम आपको समझाते हैं। हर प्रश्न में भूमिका देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आपको समझाया होगा कि पहले भूमिका देते हैं, उसके बारे में बताते हैं, फिर निष्कर्ष लिखते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। यहां पे विवेचना के जगह पे आलोचनात्मक व्याख्या भी करने आते हैं, यानी क्रिटिसाइज भी करने आ सकता है, तो उसको ख्याल रखकर आपको क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो सबसे हमने दो क्वेश्चन लिखा है इसी से रिलेटेड, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पे, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से आप क्या समझते हैं, और दूसरा पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में वैज्ञानिक परिकल्पना या सभी सबसे महत्वपूर्ण, यहां रखिए सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक परिकल्पनाओं का उल्लेख करें। तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़े अलग है, भिन्न है, क्योंकि इसमें केवल दूसरा पॉइंट करेंगे और जब ये उत्पत्ति और विकास पूछता है तो पहला पॉइंट भी दिया जा सकता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके लिए हमने रेफरेंस बुक दो बुक लिया है, एक आप साविंदर सिंह और दूसरा सुरेश प्रसाद, ये 11th की बुक है और ये साविंदर सिंह डिग्री की बुक है, टेस्ट बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी, ये हिंदी मीडियम है और ये इंग्लिश में भी उपलब्ध है। सबसे पहला चीज की क्या कहते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हम लेते हैं यहां पर हमने लिखा धार्मिक मान्यता। तो हमें लिखना है कि पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में कई प्रकार के मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें जिसे हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं, धार्मिक मान्यता और वैज्ञानिक परिकल्पना या वैज्ञानिक संकल्प। तो धार्मिक मान्यता में आपको जो धर्म ने बताया है, पहला जैसे हम मानते हैं कि लिखेंगे ईसाई धर्म के अनुसार एक आर्क विषम थे, आर्क विषम आर्कबिशप पादरी थे जिन्होंने यह कह दिया कि पृथ्वी आज से 4004 वर्ष पहले सुबह 24 अक्टूबर सुबह 7 बजे पृथ्वी का उदय हुआ, जो कि अकथनीय एक मामूली सा पादरी का कल्पना है। उसी प्रकार से इस्लाम में भी दिया है कि इस्लाम में लगभग 12,000, क्योंकि मोहम्मद साहब से ने तो कुछ नहीं कहा, उनके खलीफाओं ने कहा कि 12,000 वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। फिर आप लिख सकते हैं कि ये जो संकल्प कराए जाते हैं हिंदू धर्मों में कि दिया हुआ है, आप देखिएगा पढ़ लीजिएगा साविंदर सिंह ने, कि उसमें पृथ्वी की आयु लगभग 172 करोड़ ईयर्स बताई, जिसमें आप सुनेंगे ओम विष्णु विष्णु श्री विष्णु भगवतो, ये जो संकल्प पंडित जी लोग कराते हैं उसमें वो लिखा है कि कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीप पे भारत खंडे, यानी कलियुग आ गया सतयुग त्रेता द्वापर और कलियुग, और कलि का प्रथम चरण, इस आकलन के आधार पर पृथ्वी की आयु 172 करोड़ वर्ष लगाई। इसको आप इग्नोर भी कह सकते हैं क्योंकि ये धार्मिक मान्यताओं की वैल्यू नहीं दी जाती। अब आता है वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट, इसी पे आपका नंबर बनता है। तो वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो चूंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कोई अभी तक कोई भी स्पष्ट सिद्धांत नहीं आए, अब तक नहीं आए, ऐसे ही लिखना है, यह केवल हाइपोथेटिक यानी परिकल्पनाओं पर आधारित है।
कार्बन डेटिंग के अनुसार पृथ्वी की आयु 460 करोड़ वर्ष लगाई गई है, जबकि अन्य हिसाब से अलग अलग उम्र है। इस कारण से पृथ्वी की आयु कब की है यह विवेचना करना काफी मुश्किल है। तो इसे हम वैज्ञानिक परिकल्पनाओं के आधार पर देखते हैं। वैज्ञानिक परिकल्पना दो विषयों पर आधारित था, एक विस्फोटक सिद्धांत जिसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, और बिग बैंग थ्योरी लिमेत्रे ने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड जो था वो आग का गोला था, उसमें अचानक विस्फोट हुए, विस्फोट होने से ये छोटे छोटे कणों में विभक्त किए, कुछ तारे बने, कुछ ग्रह बने, कोई धूमकेतु बना, कोई डस्ट पार्टिकल बना। तो इस प्रकार से लिमेत्रे बात हबल कहता है कि इसी सिद्धांत को पुष्टि करता है कि बहुत सारे गैसों के मिलने से संघनन कर से नोवा का निर्माण होता है, और नोवा फिर स्टार बनता है, स्टार फिर ब्लैक होल में तब्दील होता है। उसी तरह से संडीज कहता है कि जो तारे एक दूसरे से अलग होते हैं, ब्रह्मांड का एक्सपेंड हो रहा है। तो ये महाविस्फोटक सिद्धांत के ये तीन वैज्ञानिकों का एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फिर दूसरा लिखिएगा विकासवादी, इसी पर नंबर आपको मिलेगा, ये दूसरा वाला सबसे ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है। विकासवादी सिद्धांत दो प्रकार की विचारधाराएं देता है। पहला विचार देता है मोनोलिस्टिक यानी अद्वैतवाद, यानी पृथ्वी की जो ब्रह्मांड की संरचना हुई है या सौरमंडल का जो निर्माण हुआ है वो एक तारा से हुआ है। हमारा सौरमंडल जो बना है वो एक तारा से बना है और उसमें पृथ्वी भी ग्रह है। तो एक तारा में क्या हुआ, तो सबसे पहले जर्मनी के कांट ने वायव्य राशि सिद्धांत दिया। जर्मनी के कांट ने 1755 के वायव्य राशि सिद्धांत दिया। ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर आधारित था। उसने कहा कि कणों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति आता है जिसने उसमें गति आई, और जैसे आप पारे को तोड़ देते हैं तो वो छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार ये 9 ग्रहों में विभाजित हो गया। तो वायव्य राशि संकल्पना दिया है। फिर लाप्लास का निहारिका परिकल्पना। लाप्लास बहुत फ्रांसीसी थे, इन्होंने बोला फिजिक्स के सिद्धांत को इन्होंने भी अपनाया। इन्होंने कहा कि जो एक बड़ा सा पिंड यानी फादर जिसको आप सूर्य कहते हैं, उसमें बहुत सारे कण थे और वो मूविंग करने के कारण उसमें से 9 छल्ले निकले, 9 रिंग्स निकला, और 9 रिंग्स निकले जो 9 ग्रह में बदल गए। अब इन सबों को आप काट भी सकते हैं, आलोचनात्मक देता है। तो आलोचना में कि जैसे कांट ने कहा था कि कणों में गति आ गई, तो कहां से गति आ गई, उसको लिख सकते हैं कि ये फिजिक्स के सिद्धांत के खिलाफ है। उसी तरह लाप्लास का निहारिका परिकल्पना, भाई 9 ही छल्ले क्यों निकले, छल्ले निकलने बंद क्यों हो गए, जो छल्ले निकले वो अलग अलग साइज के क्यों निकले, बृहस्पति इतना बड़ा है, बुध इतना छोटा है, सबकी डेंसिटी, अगर फादर एक है तो डेंसिटी अलग अलग क्यों है। तो ये सारे चीज आप आलोचना में डाल सकते हैं। ड्यूलिसिक्स कहता है कि पृथ्वी का निर्माण जो होता है दो या दो से अधिक तारों से हुआ है। इनमें दो का आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, सबका वर्णन करना जरूरी नहीं है। चैम्बरलिन जो थे उन्होंने 1905 में ग्रहाणु परिकल्पना किया। इन्होंने ग्रहाणु परिकल्पना में बताया कि जो सूर्य है उसके बगल से एक तारा गुजरा और उसका थोड़ा सा भाग निकल गया, और ये टूट टूट कर कई ताराओं में बदल गए, 9 ग्रह में बदल गए। यही जो सूर्य को परिक्रमा करने लगे, इन्होंने ग्रहाणु परिकल्पना सिद्धांत दिया। जेम्स और जिन्स इन्होंने 1919 और 1929 में दो अलग अलग वैज्ञानिक थे। इन्होंने ज्वारीय पल परिकल्पना की। ज्वारीय परिकल्पना सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा क्योंकि उन्होंने कहा कि जब सूर्य के पास से एक और तारा गया तो उसने उसे खींचकर एक फिलामेंट की तरह बदल दिया,
और उन्होंने सिगार का कॉन्सेप्ट किया। तो इस सिगार में छोटे ग्रह निधन और बीच में बड़े ग्रह, इस प्रकार से ये नौ ग्रह बन गए। अब इसका आलोचना कैसे करेंगे, तो आलोचना में सिगार में देखिए मंगल और ग्रह, ये मंगल बृहस्पति और आपके पृथ्वी के बीच में है। अब आप ये समझिए कि मंगल ग्रह छोटा कैसे हो गया, शुक्र से भी छोटा हो गया। तो यह जो अवधारणा बनी जो बिल्कुल गलत है, साथ ही बहुत सारे टीनी प्लेनेट के बारे में जिसको आप धूलकण धूमकेतु एस्ट्रॉइड कहते हैं वो कहां से आया, तो इसका इन्होंने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। तो इस प्रकार आप क्या कीजिए कि इन समूह के बारे में लिखिए और बाद में निष्कर्ष ये लिखिए कि दिए गए मान्यताओं के आधार पर धार्मिक मान्यता और वैज्ञानिक मान्यता स्पष्ट पुष्टि नहीं होती, यह पूर्वतर परिकल्पनाओं पर आधारित है और इस प्रकार पृथ्वी का ठोस कोई वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। दिए गए वैज्ञानिकों ने अपने से भरपूर कोशिश की गई किए हैं, फिर भी ये जेम्स का ज्वारीय परिकल्पना और लाप्लास का निहारिका परिकल्पना पर थोड़ा बहुत मान्यता दिया गया है, फिर भी इन पर पूर्णतः स्थापित नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से आप मेंस का क्वेश्चन लिख सकते हैं और ये एक फ्रेमवर्क है क्वेश्चन लिखने से पहले। जब आप क्वेश्चन लिखते हैं तो ये इस तरीके से कॉर्नर में या कहीं भी दिमाग में आप बैठा लीजिए कि हमें क्या क्या लिखना है। और उम्मीद है कि यदि जितना अगर 40 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन में मोर देन 60% मिलने आशा रहता है। 100% तो मिलता नहीं है, लेकिन इसमें कुछ फिगर भी दे सकते हैं ज्वालीय निहारिका में जेम्स का ज्वालीय परिकल्पनाओं में आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप मिन्स का प्रैक्टिस कीजिए, हम समय समय पे क्वेश्चन देते जाएंगे और किस तरीके से लिखा जाता है ये बताएंगे। थैंक यू।